वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो मुख्य व्यापारिक फसलें कपास और गन्ना और दो मुख्य पेय फसलों चाय और कहवा का उत्पादन और उनका वितरण क्षेत्र और उनके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं कॉटन या कपास। कपास क्या है? एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण करने में किया जाता है। यह एक औद्योगिक फसल है। इसका उद्गम भारत को माना जाता है। पुराने अवशेषों के अनुसार आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से भारत में कपास का उत्पादन किया जा रहा है। भारत से ही कपास के पौधे का चीन, मिश्र जैसे अन्य देशों को स्थानांतरण हुआ। कपास है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाला पौधा है और सूती वस्त्र के निर्माण में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो खली है उसका उपयोग पशुओं को खिलाने और उसका बीज है वो उसको भी पशुओं को खिलाने और तेल निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कपास की कई तरह की किस्में होती हैं, लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। कपास के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएँ हैं उनमें तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान आवश्यक होता है। फिर जो मौसम है वो पाला रहित होना चाहिए कम से कम 200 से लेकर 210 दिन तक, अन्यथा इसमें एक रोग लग जाता है उसका नाम है बॉल बीबी। और फूलों के पकते समय आकाश है वो स्वच्छ तेज धूप होनी चाहिए ताकि जो कपास है वो अधिक चमकदार उत्पादित हो। फिर वर्षा, कपास उत्पादन के लिए औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 से कम सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर सिंचाई की सहायता से कपास पैदा की जाती है। रात्रि में होने वाली वर्षा है वो कपास के पौधे के विकास के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। फिर मिट्टी, कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसमें चूने का अंश होना चाहिए और लावा युक्त जो मिट्टी, लावा से बनी हुई मिट्टी है वो भी इसके लिए बहुत उपयुक्त रहती है। धरातल है वो कपास के लिए समतल और सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए। इसका अधिकतर काम है वो मनुष्य अपने हाथों से करता है, इसलिए इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो सुलभ श्रम उपलब्ध होना चाहिए और सस्ता और पर्याप्त। फिर उर्वरक, क्योंकि मिट्टी, ये जो कपास ऐसी फसल है जो कि मिट्टी से उर्वरकों को अवशोषित करती है, उसकी उर्वरा शक्ति को कम करती है, तो उसको बनाए रखने के लिए उर्वरकों का छिड़काव आवश्यक होता है, जिसमें हम हड्डी की खाद, खली की खाद, गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं विश्व में कपास का वितरण। कपास विश्व के बहुत सारे जो उष्णकटिबंधीय भाग हैं उन भागों में उत्पादित की जाती है, जिनमें मुख्य देश देखें तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान, रूस, ब्राज़ील, तुर्की, मिश्र, मेक्सिको, सूडान, ये सारे देश ऐसे हैं जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन और जो इसका मैप है वो हम कपास उत्पादन 2015 में हम इस सारणी की सहायता से देख सकते हैं कि किस देश में और कितना कपास उत्पादित हुआ और उसकी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो मात्रा है किलोग्राम में वो कितनी है, इस सारणी की सहायता से देख सकते हैं। फिर हम विश्व में जो कपास उत्पादक मुख्य क्षेत्र हैं वो इस मैप की सहायता से, जहाँ पे डार्क ब्लैक किया हुआ है वो मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है, उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम अगली फसल लेते हैं गन्ना। गन्ना है उसका उपयोग अधिकतर चीनी बनाने के लिए किया जाता है। चीनी क्या है कि एक ऐसा पदार्थ है जिसका किसी न किसी रूप में उपयोग विश्व के लगभग सभी देशों में किया जाता है। चीनी की मांग विश्व में अधिक है, इस वजह से जो गन्ना है उसके उत्पादन का स्तर भी वर्तमान समय में लगातार बढ़ता जा रहा है।
चीनी का मुख्य स्रोत होने के कारण गन्ने को एक मुख्य फसल के रूप में माना जाता है। गन्ने का मूल, जैसे कपास का मूल भारत को माना जाता है, वैसे ही गन्ने का उद्गम स्थल भारत को ही माना जाता है। प्राकृतिक रूप में ये घास की तरह से सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का जो तटीय भाग है वहां पर मिला था। और गन्ना है वो सैकेरम ऑफिसी नेरम नामक एक बांस के आकार की जो एक घास है उसका सॉरी वंशज माना जाता है। गन्ने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं जो हैं वो तापमान, इसको बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर क्रमिक विकास के साथ साथ धीरे धीरे तापमान में इसके वृद्धि होनी चाहिए। और जो पकते समय तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहनी चाहिए, और पकते समय धूप है वो तेज रहनी चाहिए ताकि गन्ने में मिठास और रस की मात्रा अधिक हो। वर्षा पकते समय तो इसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा इसमें वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। ये 125 से लेकर 175 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी, गन्ना उत्पादन के लिए फास्फोरस से युक्त गहन उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। काली लावा निर्मित मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट, कांप, ये सब मिट्टियाँ गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती हैं। और मिट्टी में जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उसमें खाद की भी आवश्यकता होती है। धरातल है वो सामान्य ढाल युक्त धरातल होना चाहिए गन्ने के लिए। और गन्ना जो उसकी फसल है उसकी रोपाई, निराई, गुड़ाई, कटाई जैसे कार्य हैं उनके लिए सस्ता और सुलभ मानवीय श्रम आवश्यक है। विश्व में जो गन्ना उत्पादन है उसका वितरण देखें तो गन्ने का वार्षिक औसत उत्पादन लगभग 9,000 से 10,000 लाख टन होता है। प्रमुख गन्ना उत्पादक देश हैं वो ब्राजील, भारत, क्यूबा, मेक्सिको, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाले देश हैं जहाँ पर 90% से भी अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। विश्व में गन्ना उत्पादन के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश, उनमें उत्पादन और उत्पादकता, ये हम इस सारणी की सहायता से देख सकते हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादक देश, हम इस मैप की सहायता से विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश या प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये हमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र, जैसे अधिकांश तटीय क्षेत्रों में ही गन्ने का उत्पादन इसमें दिखाया गया है। फिर हम अगली लेते हैं पेय फसलें। पेय फसलों में पहली हम फसल लेते हैं चाय। चाय है वो विश्व के अधिकांश लोगों को का पेय पदार्थ के उपयोग रूप में उपयोग में लिया जाने वाला एक उत्पाद है। इसमें टेनिन नामक एक अम्ल नामक एक तत्व पाया जाता है जो हल्का हल्का नशे जैसा आभास कराता है। फिर जो चाय की व्यापारिक किस्में हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की किस्में हैं, जैसे काली चाय है, हरी चाय, गट्टी चाय, उलूंग चाय, पराग्वे चाय। कुछ इनमें से कुछ चाय ऐसी हैं जो कि क्षेत्र विशेष में पाई जाने के कारण उनका नाम उन क्षेत्र के नाम पर रख दिया गया है। चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, उनमें हम सबसे पहले देखते हैं तापमान। तापमान है वो चाय के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक, और अधिक आर्द्रता, ओस और प्रातः काल होने वाला कोहरा, ये सब परिस्थितियां हैं वो चाय की पत्तियों के विकास के लिए उपयुक्त रहती हैं। धरातल, चाय के उत्पादन हेतु धरातल वो ढाल युक्त होना चाहिए उन ताकि चाय के पौधे की जड़ है उनमें पानी ना रुके, क्योंकि पानी अगर रुक गया चाय की जड़ों में, चाय के पौधे की जड़ों में, तो वो गलने लग जाती है जो पौधे को नुकसान पहुंचाती है और वो उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इसी वजह से जो चाय के अधिकांश बागान है वो पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं। जो चाय उत्पादन के लिए मिट्टी है वो उपजाऊ, ह्यूमस युक्त और आर्द्रता रखने वाली होनी चाहिए, जिसमें दोमट और चिकनी मिट्टी है वो चाय उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद की भी आवश्यकता रहती है।
इसमें इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित जो अम्लीय मृदा है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। और चाय उत्पादन की भी लगभग सभी क्रियाएं मानवीय हाथों द्वारा की जाती हैं, जैसे कि पौधे को उगाना, पत्तियां चुनना, सुखाना, दलना, डिब्बों में बंद करना, ये सब मनुष्य द्वारा की जाती है, इसलिए मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। छाया की भी चाय के लिए आवश्यकता होती है, ताकि तीव्र सूर्य ताप से चाय के पौधों को बचाया जा सके। फिर विश्व में चाय का उत्पादन हम देखते हैं कि चाय के उत्पादन का लगभग 71% भाग है वो दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। जो पूर्वी सोवियत संघ और अफ्रीकी महाद्वीप के जो पूर्वी देश हैं वो भी चाय उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख हैं। जैसे चाय उत्पादन के प्रमुख देश देखें तो चीन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, अर्जेंटीना, ये इन देशों में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय उत्पादन के लिए उनको समझने के लिए हम इस सारणी की सहायता ले सकते हैं, जिसमें मुख्य चाय उत्पादक देश, उनमें उत्पादन और 2015 में उनका उत्पादन, 2090 और 2005 में विश्व का कुल कितना प्रतिशत उन देशों में किया गया है वो इस सारणी की सहायता से हम देख सकते हैं। विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देश देखने के लिए हम इस मैप की सहायता ले सकते हैं, जिसमें युगांडा, केन्या, टंगानिका, मोजाम्बिक, भारत में दार्जिलिंग, ईरान, टर्की, भारत की नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और श्रीलंका में फंडी की पहाड़ियाँ हैं, असम है, चीन, वियतनाम, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, इन देशों में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है। अगली पेय फसल हम लेते हैं कहवा। कहवा चाय की तरह का ही एक पेय पदार्थ होता है। आधुनिक समय में इसका उपयोग तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले कहवा है वो अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो एक देश है इथोपिया, उसके पठारी भाग में एक वन झाड़ी के रूप में पाया गया था, और उसका लोग वहाँ के स्थानीय लोग करते थे। फिर वहाँ से इसे लाल सागर होते हुए सऊदी अरब ले जाया गया, और फिर वहाँ से आगे ये अन्य देशों की तरफ स्थानांतरित हो गया। अब कहवा की मुख्य किस्में देखें तो मुख्य किस्में कहवा की हैं अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका। ये चाय की सॉरी कहवा की मुख्य किस्में हैं। कहवा उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं, जिसमें से पहले देखते हैं तापमान। तापमान है वो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। धूप है उससे पौधा नष्ट हो जाता है, इसलिए कहवा के पौधों के साथ साथ वो छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। यमन एक देश है जहाँ पर भारी सागरीय कोहरा है, वो धूप से कॉफी की कहवा की रक्षा करता है। फिर वर्षा वर्षा कपास सॉरी कहवा के विकास के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। ताज़ा हवा और प्रकाश है वो कहवे की पौधे की वृद्धि के लिए तीव्र वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। मिट्टी गहन उपजाऊ लोह युक्त मिट्टी की इसके लिए आवश्यकता होती है। धरातल कहवे का उत्पादन है वो पहाड़ी और ढालों पर किया जाता है, ताकि वर्षा का जल है उसकी जड़ों में इकट्ठा न हो सके। श्रम कहवा के पौधों को काटने, फल तोड़ने, बीज निकालने, धोने, सुखाने, इन सब क्रियाओं के लिए मनुष्य के श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादित कहवे को जो बाजार में पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। फिर विश्व में हम उत्पादन व वितरण देखते हैं। विश्व में कहवे का के प्रमुख उत्पादक देश देखें तो ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम, इथोपिया, युगांडा, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर कहवा का उत्पादन किया जाता है। इस सारणी की सहायता से हम 2015 में विश्व के विभिन्न देशों में कहवा उत्पादन देख सकते हैं, रैंक और कुल उत्पादन मीट्रिक टन में। और इन जो प्रमुख कहवा उत्पादक देश हैं विश्व के मानचित्र पर उनको देखने के लिए इस मैप
का सहयोग हम ले सकते हैं, जिनमें मुख्य देश दिखाए गए हैं मैक्सिको, क्यूबा, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राजील, आइवरी कोस्ट, कैमरून, इथोपिया, कांगो, अंगोला, यमन, भारत, इंडोनेशिया, मालागासी, जापान, ये सब प्रमुख कहवा उत्पादक देश हैं।